आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज के समय में टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा बढ़ गई है और टेक्नोलॉजी बढ़ने के साथ साथ ऐसी ऐसी चीजों का भी उपयोग बहुत ज्यादा बढ़ गया है जो एनवायरनमेंट पर बहुत ज्यादा प्रभाव डाल रही है। साथ ही पोल्यूशन भी बढ़ रहा है, जैसे एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन। ये जो पोल्यूशन बढ़ रहा है, ये ना केवल हमारे जनजीवन को प्रभावित कर रहा है बल्कि ये ओजोन लेयर पर भी बहुत ज्यादा प्रभाव डाल रहा है, जो हम सभी के लिए बहुत ज्यादा चिंता का विषय है। क्योंकि हम सभी लोग जानते हैं, अगर ओजोन लेयर नहीं होगी तो धरती पर जीवन भी नहीं होगा। इसीलिए सभी लोगों में ओजोन लेयर के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। इसलिए आज के इस वीडियो में हम यही बात करेंगे कि विश्व ओजोन दिवस क्या होता है, ये क्यों मनाया जाता है, और जो ओजोन लेयर की थिकनेस कम हो रही है उसके क्या कारण है, और जो इस लेयर की थिकनेस कम हो रही है हम इसे कैसे रोक सकते हैं। तो चलिए आज के वीडियो शुरू करते हैं। ओजोन एक प्रकार की गैस होती है जिसका केमिकल फॉर्मूला O3 होता है। यह धरती के एटमॉस्फेयर में पाई जाती है जो धरती से 15 से 40 किलोमीटर ऊपर होती है। ये जो गैस होती है ये धरती के चारों तरफ एक लेयर बनाती है, इसलिए इसे ओजोन लेयर कहा जाता है। ओजोन लेयर हम सभी के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होती है क्योंकि जो सूरज से अल्ट्रावायलेट रेज आती है जिसे हम पराबैंगनी किरणें भी कहते हैं, जो हम सभी के लिए, चाहे मैं बात करूं मनुष्य की, जीव जंतुओं की, पेड़ पौधों की, ये हम सभी के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक होती है। क्योंकि जब ये यूवी रे सीधी जमीन पर गिरेगी तो ये पेड़ पौधों को नष्ट कर सकती है, इससे स्किन कैंसर हो सकता है या अन्य प्रकार की और भी बीमारियां हो सकती है। लेकिन जो ओजोन लेयर होती है ये लार्ज अमाउंट में आने वाली इन यूवी रेस को धरती पर आने से रोकती है, या मैं यूं कहूं कि ओजोन लेयर हमें यूवी रेस से बचाती है। लेकिन आजकल हम ऐसे उपकरणों का उपयोग करने लग गए हैं जिनके उपयोग से ओजोन लेयर का डिप्लेशन हो रहा है, जैसे फ्रिज, एसी, परफ्यूम्स या अन्य ऐसे उपकरणों का जिनके अंदर ODS होते हैं, मतलब ओजोन डिप्लेटिंग सब्सटेंसेस, जिनके उपयोग से क्लोरोफ्लोरोकार्बन निकलता है जिसमें क्लोरीन होता है। जब ये क्लोरीन हवा के साथ धरती से ऊपर एटमॉस्फेयर में जाता है तब ये ओजोन के साथ रिएक्ट करता है और O3 को O2 में कन्वर्ट करता है, जिससे ओजोन लेयर की थिकनेस कम होती है। यही कारण है ओजोन लेयर के डिप्लेशन होने का। एक क्लोरीन एटम ओजोन के हजारों मॉलिक्यूल्स को नष्ट करता है। ओजोन डिप्लेटिंग सब्सटेंसेस एक तरह के केमिकल होते हैं जो ओजोन को नष्ट करते हैं, जिन्हें आप अभी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। वैसे तो हम सभी लोगों को पता है कि ओजोन लेयर में एक बड़ा होल हो गया है, और ये होल और ज्यादा बड़ा ना हो और इसे कम करने के लिए, साथ ही उन गैसों का उपयोग कम करने के लिए जो गैसें ओजोन के साथ रिएक्ट करती है, उनके प्रति सभी लोगों में जागरूकता को बढ़ाने के लिए हर साल 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। ये दिवस ओजोन लेयर के प्रति लोगों में जागरूकता को बढ़ाने के साथ साथ उसे बचाने के समाधान को देखने के उद्देश्य से मनाया जाता है। इस दिन प्रत्येक जगह अलग अलग कार्यक्रमों के माध्यम से लोगों को जागरूक किया जाता है कि वह लोग ओजोन डिप्लेटिंग सब्सटेंसेस यानी ODS का उपयोग कम से कम करें, जिससे ओजोन लेयर को कोई नुकसान ना हो। अगर हम सभी लोग ODS पदार्थों का उपयोग कम करेंगे तो जो ओजोन में होल हुआ है उसके सही होने की उम्मीद है कि 2050 तक वह होल पूरी तरह से सही हो जाएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम बात करते हैं इसके इतिहास के बारे में। 1994 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 16 सितंबर को ओजोन लेयर के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस घोषित किया था, जो 1987 में ओजोन लेयर को नष्ट करने वाले पदार्थों पर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर साइन करने की तारीख की याद दिलाता है, और 1995 में इसे पूरे विश्व में ओजोन दिवस के रूप में मनाया जाने लगा था। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का उद्देश्य ओजोन लेयर की थिकनेस के लिए जिम्मेदार माने जाने वाले पदार्थों के उत्पादन को कम करके ओजोन लेयर की रक्षा करना है। इसी के साथ हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं जो केमिकल ओजोन लेयर पर प्रभाव डाल रहे हैं जिसके कारण ओजोन लेयर की थिकनेस कम हो रही है, उन्हें कैसे हमारे द्वारा कम किया जा सकता है। हमें ऐसे पदार्थों या उत्पादनों का उपयोग कम करना चाहिए जिनमें ODS होता है। ODS मतलब ओजोन डिप्लेटिंग सब्सटेंसेस। जिन पदार्थों में ये होता है हमें उनका उपयोग कम से कम करना चाहिए, क्योंकि ODS एक तरह के केमिकल होते हैं और ये केमिकल ओजोन के साथ रिएक्ट करके उसे वापस O2 फॉर्मेट में बदलता है। हमें ऐसे पदार्थों उपकरणों को खरीदने से पहले चेक करना चाहिए कि उनमें ODS तो नहीं है। अगर उनमें ODS है तो उन्हें नहीं खरीदना चाहिए। उपयोग करने के बाद उन पदार्थों या उपकरणों का निपटान सही से करें जिनमें ODS होता है। अगर हम उन पदार्थों को इधर उधर फेंक देंगे या उनका सही से निपटान नहीं करेंगे तो उनमें उपस्थित ODS रिलीज हो सकता है, जो ओजोन को नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए ऐसे पदार्थों का निपटान सही से करें। सभी लोगों को ओजोन लेयर के बारे में बताएं कि कैसे ये हमारे जीवन के लिए जरूरी है, साथ ही उन्हें यह भी बताएं कि उन्हें कौन से पदार्थों और उपकरणों का उपयोग कम करना है जिसके कारण ओजोन लेयर का डिप्लेशन हो रहा है, जैसे ODS। क्योंकि जितने ज्यादा लोगों में अवेयरनेस होगी वह लोग उतना ही उन चीजों का उपयोग कम करेंगे जिसके कारण ओजोन लेयर की थिकनेस कम हो रही है। क्योंकि जितना ज्यादा पोल्यूशन फैल रहा है या पर्यावरण पर प्रभाव पड़ रहा है, ये सभी हो रहा है लोगों में जागरूकता की कमी के कारण। जितना हो सके पोल्यूशन कम करना चाहिए, खासतौर पर एयर पोल्यूशन, क्योंकि जितना एयर पोल्यूशन कम होगा उतनी ही ओजोन लेयर सही रहेगी और उसकी थिकनेस कम नहीं होगी।
क्योंकि वाहनों से उद्योगों से निकलने वाला नाइट्रोजन ऑक्साइड वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड जैसे प्रदूषक ओजोन लेयर डिप्लेशन में सहयोग करते हैं। जब ये हवा के साथ ऊपर ओजोन लेयर तक जाएंगे तो ये ओजोन लेयर के मॉलिक्यूल्स को तोड़ सकते हैं, जिससे ओजोन लेयर की थिकनेस और कम हो सकती है। और वैसे भी पोल्यूशन से एनवायरनमेंट पर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। अगर हम बिजली की खपत कम करेंगे तो ये इनडायरेक्ट वे से ओजोन लेयर के डिप्लेशन को रोक सकती है, क्योंकि जब बिजली की खपत कम होगी तो एसी फ्रिज जैसे उपकरणों का भी उपयोग कम होगा, जिससे उनकी डिमांड में कमी आएगी जो अक्सर ओडीएस का उपयोग करते हैं, जो इनडायरेक्ट वे से ओजोन लेयर को नुकसान पहुंचाती है। साथ ही बिजली की खपत कम होने से बिजली की डिमांड में भी कमी आएगी और बिजली भी कम उत्पन्न होगी, जिसके चलते कार्बन डाइऑक्साइड जैसे ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन भी कम होगा, क्योंकि ग्रीन हाउस गैसेस क्लाइमेट चेंज में योगदान देती है जो इनडायरेक्ट वे से ओजोन लेयर को प्रभावित कर सकती है। इसी के साथ आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। साथ ही हमारे YouTube चैनल सील टॉक्स को फॉलो करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।